ने आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में यही मांग की थी। जी सर। मुझे पता था ये होगा, मुझे अंदेशा था, 26 वर्षों की वकालत का अनुभव था, इसीलिए मैंने कहा इसके सारे केस क्लब कर दो जी, या बिहार में भेज दो, मदुरई वाला भी यहाँ भंगा दो, आप बिहार भी छोड़ो, तमिलनाडु भी छोड़ो, आप उत्तर प्रदेश में कर दो, एक जगह झारखंड कर दो, छत्तीसगढ़ कर दो, उड़ीसा कर दो, दिल्ली कर दो, एक जगह सारे केस कर दो, वो रहे उसी राज्य की जेल में और ट्रायल हो और गवाही हो। चलो, मेरी ये मांग थी जी, लेकिन वो मांग भी खारिज हो गई। वो बाद में क्या क्या परिस्थितियां रही, क्या क्या हुआ, वो अलग विषय, में उस पर नहीं चर्चा करना चाहता क्या हुआ क्या नहीं हो, लेकिन वो हुआ नहीं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई हाई कोर्ट के लिए भेज दिया, फिर वहाँ उन्होंने लगाया नहीं लगाया, क्या किया के नहीं किया, मुझे नहीं पता। ये बात है, छोड़ने की खबर होती है सिर्फ जी, तो 600 पुलिसकर्मी लगा दिए जाते हैं, लगा दिए जाते केवल पेश होने की खबर पे, लेकिन आता नहीं है, उस दिन एक आया नहीं होता, नहीं देते हैं सर, और फिर पुलिस दिखाई नहीं देती, दिखावे में लगा देते हैं, इससे क्या मतलब, फिर क्या एहसास, क्या वो आतंकवादी है, क्या उसके पास बम गोला बारूद पकड़ा गया, वो एक पत्रकार है, राजनीति का शिकार है, गलती उसकी इतनी थी कि उसने कह दिया हम तेजस्वी यादव की सरकार को गिरा देंगे जी सर, मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे, एक ककड़ी के चोर को कटारी से काटना भी अपराध है, गुनाह है, ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व अगर नहीं होगा तो प्रेशर कुकर फट जाएगा, किसी दिन जब सीटी में कुछ चावल बैठ जाएगा या अरहर की दाल चिपक जाएगी, फट जाएगा, फट जाएगा जी सर, घर में धर्म पत्नी बेटी बहू मर जाएंगी जी सर। सेफ्टी वाल्व होता है, जब सीटी में कुछ फंसता है तो सेफ्टी वाल्व रबड़ की खुल जाती है और गैस निकल जाती है, इसी तरह से पत्रकार है जी सर। देश के लोकतंत्र के लिए अगर उसे बंद कर दोगे, अगर उसकी कलम तोड़ दोगे, अगर उसकी आईडी दबा दोगे, तो देश के लोकतंत्र पे खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन वही मनीष कश्यप को सेम जिस तरह आप बता रहे उसी तरह किया गया, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे खतरा तो है ही, बिहार में लोकतंत्र के लिए निश्चित तौर पे खतरा है, डर है उन्हें, भय है उन्हें, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उसका लोगों के प्रति प्यार बढ़ रहा है, उसका भी प्यार बढ़ रहा है। 14 वर्ष राम लक्ष्मण और सीता जंगल में गए तो वापस आए वो भगवान बन गए, भगवान बन गए, जबकि वो अयोध्या में थे ही नहीं, अयोध्या में नहीं थे तब भी भगवान बन गए, और शायद अयोध्या में रहने वाले या अन्य राज्यों में रहने वाले राजकुमार और रानियां राजा महाराजा बन के रह गए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं रह पाए। गेंद जितनी दबाई जाती उतनी ज़्यादा उछलती है। सर, जिस प्रकार से मनीष कश्यप का मामला है और इस पे कार्रवाई हो रही है, क्या लग रहा है कब तक मनीष कश्यप बाहर आने की आशंका जताई जा रही है? कुछ लोगों को और कुछ मीडिया का ये भी कहना है कि जब तक बिहार में चुनाव नहीं होगा तब तक मनीष कश्यप बाहर नहीं आ सकते। नहीं, बेतिया के जो लोकल एडवोकेट हैं उन्होंने पिछले बार बात की थी मेरे से, जी सर बात की थी, मैंने उन्हें बता दिया रास्ता, उन्हें बता दिया है, समझा दिया है, हमने कहा ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे बोलो, और अगर आपसे वादा नहीं, विश्वास करता हूँ, मैं मनीष कश्यप से प्यार करता हूँ, बिहार पूर्वांचल की जनता से प्यार करता हूँ, हिंदी भाषा का समर्थन वालों से प्यार करता हूँ, जो देश के मजदूरों, दलितों, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ उठाता है, उसके लिए समर्पित रहता हूँ। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो आप निश्चित मानिए मैं मनीष कश्यप को पेश कराने के लिए बेतिया भी कोर्ट चला जाऊँगा और उसको बुलवा लूँगा। मतलब मनीष कश्यप की लड़ाई लड़ने के लिए और रिहा करने के लिए आप बेतिया जाने वाले हैं? नहीं, चला जाऊंगा, अगर बनेगा प्रोग्राम जा सकता हूं, जाने वाला नहीं, अभी बात बनेगी, डेट वगैरह कोई होगी, उन्हें उनके भाई को, उनके फादर मदर को, अगर उनके लोकल एडवोकेट को जरूरत पड़ेगी तो आई विल गो जी। लेकिन सर, जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था तो आपने ही लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि आपका नाम उसमें से कटता दिखाई दिया? देखिए, हमारे हिसाब से चलेंगे, हमारे हिसाब से चलेंगे तो मैं करूँगा, हमारे हिसाब से क्लब भी हो जाता और एंट्री बेल भी हो जाती। अब मेनी मैन सबका दिमाग लगेगा तो केस मैं सीखने के लिए ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाता हूं कि किसी के भविष्य का दाव लगा हो। अब ये भी कर रहे हैं, इनकी सुन लो, इनकी सुन लो, इनकी सुन लो, इनकी सुन लो, मेरी बात पर यकीन हो तो करो, नहीं तो मैं नहीं कर पाता हूं, मेरी एक आदत जी सर। लेकिन मनीष कश्यप को निकालने के लिए अब आप तैयार हैं? मैं
तब भी तैयार था, अब भी तैयार हूँ, लेकिन उसके केस को सीखने का साधन नहीं बनने दूंगा जो साधन बन गया था, और यही साधन अभी भी बेतिया में भी बना हुआ है और यही आपने देखा यहाँ भी बन गया था, इसीलिए आखिर में ऐसा हुआ। जी, बहुत सारे ऐसे बिहार के लोग हैं जो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं मनीष कश्यप के लिए। ओफो, लोकसभा चुनाव, जेल, बेल, पहले बेल कराओ जी, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ाओ, अभी तो ज़्यादा फिर हो जाएगा, गलत है, राजनीति को उतना रखो, पहले बेल कराओ। लेकिन बहुत सारे से पार्टियां ऑफर लेके जा रही है मनीष कश्यप के परिवार। अच्छी बात है, ऑफर लेके जा रहे हैं तो उसे लड़ना चाहिए चुनाव, लड़ना चाहिए मनीष कश्यप को, चुनाव लड़ना चाहिए था। अगर जरूरत पड़ेगी मैं उसके लिए प्रचार करने आऊँगा बिहार। क्या बात है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के नाते भी आप मनीष कश्यप के प्रचार के लिए बिहार आने आएंगे? क्यों नहीं, अच्छे आदमी के लिए जी प्यार करना, अच्छे आदमी की मदद करना, इस देश के पत्रकार के लिए कुछ मदद करना, डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, गृहविहीन को दो गृह दान, विद्या रहित को विद्या दान दो, शोकातुर को धीरज दान, अगर पूजा के 12 फूलों में से एक वो फूल चढ़ाना पड़े और चढ़ा दो तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जाएं ना जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका काम उतने में हो जाएगा। अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं तो आप चुनाव प्रचार भी कीजिएगा? देखेंगे किससे क्या, अब पार्टी पे लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे तो मैं साथ हूँ, निर्दलीय, अब पार्टी फिर देखेंगे, फिर मेरी विचारधारा मैच करती है नहीं करती है, एंटी है, अपोजिट है, देश के लिए है, देश के खिलाफ है, फिर उस समय उस तरह से देखूंगा। यहाँ बेतिया कोर्ट में लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा, मैंने उन्हें लोकल एडवोकेट को बताया है, पूछा था उन्होंने क्या करें सर के परिवार, तो बताया तो हो जाएगा। मनीष कश्यप के चाहने वाले बिहार के बहुत सारे ऐसे दर्शक देख रहे हैं, आप उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे मनीष कश्यप? शांति रखें, सौहार्द रखें, प्यार बनाए रखें, समय बहुत बलवान है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, सत्य की जीत होती है एक दिन, परेशानियां आती हैं। तो जैसा कि अभी देख रहे थे हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह जी हैं जो मनीष कश्यप के लड़ाई में अभी तो साथ हैं, अभी मतलब प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से साथ है, लेकिन आगे भी साथ खड़े रह सकते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मनीष कश्यप को जल्दी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और जिस प्रकार से एपी सिंह जी ने बात कही मनीष कश्यप को लेकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हमें समय दीजिए। जय हिंद।